द कंसेप्ट ऑफ एक्सपायरी डेट ऑफ ए ड्रग। अक्सर कभी टेलीफोन कॉल्स आ जाते हैं कि बच्चे को फीवर था और हमने उसको पैरास्टामॉल लिक्विड दे दी, लेकिन बाद में देखा कि उसकी बोतल के ऊपर जो लिखा हुआ था वो ड्रग जो थी, वो मेडिसिन जो थी, वो एक्सपायर्ड थी। वही एक्सपायर मेडिसिन के बारे में एक मैं ब्रीफ करने की कोशिश करूँगा। जो मेडिसिन की जो स्ट्रिप्स होती हैं या लिक्विड फॉर्म में बॉटल्स में होती है, तो उन पे डेट ऑफ मैन्युफैक्चर बिल्कुल मेंशन किया होता है, लेकिन वो लिखा होता है मंथ एंड द ईयर, नो एग्जैक्ट डेट नहीं मेंशन होती है। यानी कि डेट ऑफ मैन्युफैक्चर अगर लिखा होगा दिसंबर 2021, तो एग्जैक्टली ये नहीं लिखा है कि 1 दिसंबर है, 31 दिसंबर है, लेकिन एज पर FDA गाइडलाइंस डेट ऑफ एक्सपायरी जो कैलकुलेट की जाती है लास्ट डे ऑफ द मिडनाइट, फॉर एग्जांपल दिसंबर 2021 लिखा है, तो आपको ये अंडरस्टैंड करना है कि 31 दिसंबर रात के 12 बजे मिडनाइट तक वो दवाई यूज़ हो सकती है। लेकिन उसके बाद फार्मास्यूटिकल कंपनीज उसकी रिस्पांसिबिलिटी नहीं रखती हैं। मगर एक चीज़ है, अगर 31 दिसंबर को मिडनाइट को 12 बजे ड्रग एक्सपायर हो रही है, तो 12:01 पे ड्रग का हजार्ड्स इफेक्ट नहीं होगा, तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। इमिजिएटली अगर वो दवाई अगर उसने पी ली या ले ली तो ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन नहीं होगी, क्योंकि एक्सपायर्ड डेट जब मेंशन की होती है उसमें भी 95 से 98% तक जो वो मेडिसिन होती है उसमें जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं वो काम कर रहे होते हैं। यानी कि 1 मिनट या 1 घंटा पास होने के बाद अगर वो दवाई से कुछ इतना कॉम्प्लिकेशन होने की बात नहीं होती है, ऑल्दो वी शुड नॉट यूज़ आफ्टरवर्ड्स, क्योंकि फार्मास्यूटिकल्स कंपनीज उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेंगी। मैक्सिमम एंड मिनिमम एक्सपायरी डेट ऑफ ए मेडिसिन 1 साल से 5 साल तक होती है, यानी कि 12 महीने से लेकर 60 मंथ्स तक भी होती है। बिल्कुल ये हकीकत है कि कोई भी मेडिसिन तकरीबन एक्सपायरी डेट के बाद जो प्रिंटेड उसके ऊपर होता है, जब कमर्शियल पैकिंग उसके ऊपर लिखा होता है, तो उसके बाद नहीं यूज़ की जानी चाहिए। लेकिन एक्सीडेंटली अगर वो दवाई ली जाती है तो उसमें ज़्यादा पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं होती है। कंसिडरिंग द गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एज डिटरमाइंड बाय द FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, द एक्सपायरी डेट ऑफ ए ड्रग इज एस्टिमेटेड यूजिंग स्टेबिलिटी टेस्टिंग। ये हकीकत है कि जो दवाई के जो इफेक्टिवनेस तकरीबन डिक्लाइन हो सकती है, मगर ओरिजिनल पोटेंसी तकरीबन बराबर रहेगी। बहुत सारी स्टडीज़ में ये ऑब्जर्वेशन की गई है कि कुछ दवाइयों को छोड़ के, जैसे नाइट्रोग्लिसरीन है, इंसुलिन है या लिक्विड एंटीबायोटिक्स हैं, उनको छोड़ के 10 साल 15 साल तक भी उनका कोई बड़ा डैमेज नहीं हुआ होता है। एक स्टैंडर्ड एडवाइस यही है कि जो भी ड्रग्स के ऊपर, मेडिसिन के ऊपर, स्ट्रिप्स के ऊपर जो डेट्स लिखी होती हैं उन्हीं के मुताबिक आपको डिस्पेंस करने वालों को भी केयर करना चाहिए, और जो एंड कंज्यूमर जो हैं उनको भी देख लेना चाहिए क्या डेट ऑफ एक्सपायरी तो नहीं है। लेकिन अगर ऐसा एक्सीडेंटली कुछ हो जाए तो ज़्यादा पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पोटेंसी और एफिकेसी दवाइयों की है वो खासे साल तक रहती है। प्रेफरेबली ये अच्छी बात है कि एक्सपायरी डेट के बाद वो दवाई यूज़ ना की जाए, लेकिन इतना टॉक्सिसिटी भी नहीं हो सकती है। ए बेस्ट बिफोर आर एक्सपायरी डेट हमें यह बताती है कि उससे पहले पहले ये दवाई यूज़ की जानी चाहिए, क्योंकि इसका एफिकेसी या क्वालिटी में इफेक्ट आ सकता है। कोशिश ये करनी चाहिए, अगर किसी दवाई का एक्सपायरी डेट है दिसंबर, तो उसका मतलब है कि दिसंबर के महीने भी ये यूज़ की जा सकती है, लेकिन ये 31 दिसंबर को 12 बजे के बाद रात को इसको यूज़ नहीं किया जाना चाहिए। हम बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है क्या आपने किस दवाई को कितने टेम्परेचर पे स्टोरेज करके रखा हुआ है, तो वो आपका कंडीशंस क्या थी। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं होपफुली ये हमें हेल्पफुल होंगी, इसके ऊपर थोड़ा चर्चा करने की और अवेयरनेस देने की ज़रूरत मैं समझता हूँ। अगर आपको कोई क्वेश्चन होगा तो काइंडली मुझसे इंटरेक्ट आप कर सकते हैं, सो दैट कुछ और रेफरेंसेस अगर हमें इसके बारे में मिलती रहेंगी और वीडियो बनाकर अवेयरनेस देने की मैं कोशिश करता रहूँगा इस चैनल के थ्रू। टिल नेक्स्ट, ऑल द बेस्ट, खुदा हाफज।